Hey viewers, Creative Sikra here. How are you all? तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जिसका नाम है चिकन सूप। ये बहुत ही हेल्दी और ईस्टर में एक रेसिपी है और ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत मदद करती है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी की तरफ प्रोसीड करते हैं। पहले तो मैं चिकन को उबाल लूंगी। उसके लिए मैंने लिया है चिकन 200 ग्राम्स, रफली स्लाइस की हुई कैबेज 5 टेबल स्पून्स और एक छोटी साइज की रफली स्लाइस की हुई अनियन। ये मैंने नमक लिया है और ये है पानी। नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। तो अभी मैं एक कुकर लूंगी, उस कुकर में हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दूंगी। पहले चिकन, फिर गोभी और प्याज। आप गाजर या फिर कोई भी और वेजी ले सकते हो आपके हिसाब से। 1 टीस्पून में नमक ऐड कर रही हूँ और फिर पानी ऐड कर दूंगी। पानी आपको चिकन से 4 गुना ज्यादा ऐड करना है, यानी कि 800 ml। तो हमारा पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब हमें अच्छे से इसे मिला लेंगे एक बार और फिर इसे 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर उबालने के लिए रख देंगे। मैं इसे 10 मिनट कुक करने के लिए रख रही हूँ। अभी उबल चुका है 10 मिनट के बाद। आप देख सकते हो एक स्ट्रेनर की मदद से मैं इसका जो पानी है, चिकन का जो स्टॉक होता है, उसे मैं छान ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो इसका स्टॉक। आपको इसे बहुत संभाल कर रखना है क्योंकि हम इसी का बाद में सूप बनाने वाले हैं। तो ये बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है। अब हम गोभी और प्याज में से चिकन को सेपरेट कर लेंगे और जो गोभी और प्याज बाकी है उसे आपको फेंक देना है, डिस्कार्ड कर देना है। और जो चिकन है आपको उसे श्रेड कर लेना है। मैं फोक की मदद से कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा चिकन श्रेड हो चुका है। अब एक स्पेशल सॉस प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 3 टीस्पून्स ऑफ चिली सॉस। उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून्स ऑफ सोया सॉस, डार्क सोया सॉस लिया था मैंने। और 3 टीस्पून्स में इसमें डाल रही हूँ टोमेटो केचप। उसमें मैं ऐड करूंगी 3 टीस्पून्स विनेगर। तो ये चारों भी सॉसेस को आपको अच्छे से एक बार मिला लेना है और इसका एक स्पेशल सा सॉस प्रिपेयर कर लेना है। अब मैंने एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून बटर ऐड किया था। उसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्ची। मैंने 3 बड़ी हरी मिर्ची ली थी और अदरक और लहसुन मैं साबित फाइनली चॉप करके डाल रही हूँ। पेस्ट मत डालिए क्योंकि ये साबित ही बहुत टेस्टी दिखते हैं। जब आपका अदरक सॉफ्ट हो जाएगा, जब आपको ऐड करना है इसमें आपका चिकन का स्टॉक, इसको आपको उबाल लेना है। एक बार उबाल लेना है और उसके बाद आपको इसमें आपका सॉस प्रिपेयर किया हुआ सॉस डाल देना है। पहले थोड़ा ही ऐड करेंगे, फिर बाद में देखेंगे, अगर और लगता है तो हम बाद में भी ऐड कर देंगे। मेरे हिसाब से मुझे और डालना चाहिए तो मैं बाकी का सॉस भी इसमें ऐड कर रही हूँ। फिर से इसे उबाल लेंगे अच्छे से मिक्स कर। और फिर जब ये उबल जाएगा इसमें हमको ऐड करना है कॉर्नफ्लावर स्लरी। 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर में 3 टीस्पून पानी मैंने ऐड कर मिला लिया था और इसमें ऐड कर लिया है। इससे क्या होगा कि आपका जो सूप है वो थोड़ा थिक हो जाएगा। अब इसमें सीजन कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर के साथ और नमक के साथ। नमक आपको ऐड करना है तो ही करिएगा क्योंकि सॉसेस और चिकन में ऑलरेडी नमक है। आपके हिसाब से आप ऐड कर सकते हो नमक। अब एक उबाल के बाद हम फिर से इसमें हमारा श्रेड किया हुआ चिकन डाल देंगे और फिर एक बार और उबाल कर हमारा सूप बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमारा चिकन सूप बनकर बिल्कुल तैयार है ऑफ कोर्स द फ्लेम और आप इसे सर्व कर सकते हो। गर्मा गर्म पीजिए इसे। और आजकल के ठंडे ठंडे मौसम में, ठंडियों के मौसम में गर्मा गर्म जब आप सूप पियोगे आपकी इम्यूनिटी बहुत बूस्ट हो जाएगी। हमारा चिकन सूप बिल्कुल बनकर तैयार है। आप इसे गार्निश कर सकते हैं कोरिएंडर लीव्स के साथ या फिर स्प्रिंग अनियंस के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। घर पर बनकर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा बना था। मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।